आगे चल के बनना क्या है, ना कि पेरेंट्स ने कहा कि ये बनना है तो बन जाएंगे। और बच्चों को मैं कहूंगा कि आप लोग देश की सेवा अपने बारे में सोच के ही कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हर इंसान देश के लिए कुछ बन के दिखाए, देश से बर्डन ना बने। होता क्या है कि जब अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि अगले 25 साल में हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए, तो तभी पॉसिबल है जब हर इंसान एक और इंसान को कम से कम जॉब क्रिएट कर रहा है। पहले अपनी टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है, हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक में चैप्टर आता है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बाय मैडम बचेंद्री पाल मैम। एक छोटा सा सपना सोचा था मैंने और आज मैं वर्ल्ड का यंगेस्ट क्लाइंबर बन चुका हूँ जो एवरेस्ट चढ़ चुका है और उसके बाद और भी बहुत सारी चुकी है। Having a dream is very important. To all the parents, all the teachers present over here today, especially to you. आप अपने बच्चों को किसी मोल्ड में फिट करने की कोशिश मत करिए, उनका यूनिकनेस समझिए। To all the children present over here today, have a passion. एक सपना सोचिए और जब सपना सोचिए तब उसमें कंसिस्टेंसी मत करिए। बहुत बड़े बड़े सपने सोचने चाहिए, क्या पता अगर वो सच हो गए तो कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा योगदान रहेगा, इफ यू आर एबल टू फॉलो योर ड्रीम थ्रू, इफ यू आर एबल टू रियली लव समथिंग, पूरी दुनिया ट्रैवल करें अपने देश वापस आके। जैसा डॉक्टर एस के राठौर सर ने आज उन लोगों को बताया कि हमारा ये सपना होना चाहिए कि हम कंट्रीब्यूट कर पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, हमारा सपना इतना बड़ा ग्रो कर जाए कि उस सपने को आगे ले जाने में और भी लोग जुड़े हमारे साथ। तो मेक श्योर करिए इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए, बड़े बड़े सपने सोच के बहुत सारा हार्डवर्क करिए। कोई भी उम्र कम नहीं होती एक परिवर्तन लाने में। कभी ये मत सोचिए कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं सिर्फ 6th क्लास में हूँ या मैं 7th क्लास में हूँ या मैं 10th क्लास में हूँ, मैं क्या अंतर, मैं क्या चेंज ला सकता हूँ इससे बड़े देश। यही हमारा योगदान है कि हम ऑनेस्टी से रोज अगर उसके हार्डवर्क कर सकें, अपना बेस्ट वर्जन रोज बन सके और हमारे जितने सपने हमको साकार कर सकेंगे